चिकित्सा, यह जो मुझे विषय मिला है इस पर मैं बताने के लिए आया हूँ। मैं 19 ईयर से प्रैक्टिशनर हूँ और मैंने बीएमएस के बाद तुरंत ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। बाद में मैंने एमडी किया, पीएचडी किया, तो मैंने 19 साल के प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो वेरिकोज वेंस के आए। और जब हमने हेतु देखा कि वेरिकोसिटी क्यों होती है, तो पता चला कि कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोसिटी हो जाती है, कभी कभी ऐसे पता चला कि स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे दुकानदार वगैरह रहते हैं, दुकानदार हो गए, कंडक्टर हो गए, जिनको स्टैंडिंग कम रहता है, या फिर जो वर्कर्स रहते हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज में जो वर्कर्स रहते हैं जिनको खड़े रह के ही काम करना पड़ता है, दुकानदार रहते हैं किराना की दुकान में, तो उनको कंटिन्यू खड़े रहना ही रहता है, उनको वॉकिंग का टाइम नहीं मिलता है और स्टैंडिंग पोस्चर में वो ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे लोगों को वेरिकोज वेंस हो जाते हैं। वेरिकोज वेंस जो है उसमें क्या होता है कि उसमें डायलेटेशन हो जाता है। तो पहले हम आयुर्वेद का भाग देखेंगे कि उसमें क्या होता है, आयुर्वेद में उसको क्या बोला है। तो आयुर्वेद में शिरागत वात का लक्षण बता रहे हैं, वात व्याधि चिकित्सा जब हम लोग देखते हैं चिकित्सा स्थान चरक संहिता का, तो उसमें श्लोक नंबर, जो चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर है उसका 35 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें इतना बढ़िया से बता रहे हैं। 36 नंबर का श्लोक, शरीरम मंद रुक शोफम शुष्यति स्पंदते तथा सुप्ता स्तन्वयो महत्यो वा सिरा वाते सिरागते, मतलब सिरागत वात के सारे लक्षण जो है वो वेरिकोज वेंस में हमें देखने को ही मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं कि शरीर में मंद मंद वेदना होने लगती है जब सिरागत प्रकुपित वायु जो रहता है, मतलब सिराओं में प्रकुपित वायु जाके रुक्षता उत्पन्न करने लगता है, तो उसके वजह से जहां जहां वायु रहेगा वहां वहां शूल होने लगेगा, तो मंद मंद वेदना होने लगती है। उसके बाद में शरीर का शोथ युक्त होना, वहां पे इडिमा होने लगता है, जहां पर भी वेरिकोसिटी होती है वो एरिया में चारों ओर ना शोथ आने लगता है। उसी तरह से कभी कभी शरीर क्रिश हो जाता है, मतलब पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है। अब ये वेरिकोज वेंस अगर केवल आप पैर की सिराओं का कर रहे हैं सोच रहे हैं, तो वही नहीं है, पूरा बॉडी का मैं जो वेरिकोसिटी हो जा रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से अंगों में स्पंदन होना, ऐसे वो फड़कने लगता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से शिरा शून्यता, सिराओं में ना सेंसेशन लॉस हो जाता है और स्पंदन जो रहता है वो कम हो जाता है। आप लोगों ने कभी भी सिराओं में हाथ लगा के देखा होगा तो सिराओं में स्पंदन होना बहुत जरूरी है, तो इसमें स्पंदन होना कम हो जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी जो है वह टोटली लॉस होने लगती है। उसी तरह से सिरा तनुत्वम, जिसको हम एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, तो सिराएं जो रहती है वो पतली होने लगती, सिरा मतलब वेन्स, ये पतली होने लगती है, या फिर सिराओं का मोटा हो जाना, थिकनेस जो है वो थिननेस, और ये कभी कम होने लगता है, कभी एक्सेसिव होने लगता है, एक्सेसिव थिकनेस होने लगता है। तो यह जब सिम्टम आते हैं तो इसको हम सिरागत वात बोलते हैं। अब एनाटॉमिकली मॉडर्न साइंस में क्या बताया है कि वेरिकोज वेंस मींस व्हाट, वेरिकोज वेंस मींस एबनॉर्मली एनलार्ज्ड सुपरफिशियल वेंस इन द लेग्स। यहाँ पर लेग्स के जो वेंस होते हैं वो, क्योंकि वहीं ज्यादा डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पर एनलार्ज्ड एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द सुपरफिशियल वेंस इन द लेग्स इज नोन एज वेरिकोज वेंस। उसके बाद में बोल रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ सुपरफिशियल वेंस, मतलब वहां पे वीकनेस आ जाती है। तो वेंस का आप लोगों ने एनाटॉमिकली देखा होगा तो ट्यूनिका इंटरना मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ऐसे तीन वॉल्स रहते हैं, तीन लेयर्स रहते हैं और बीच में वॉल्स रहते हैं। वॉल्स जो रहते हैं वो हमारे ग्रेविटी से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जैसे नीचे से ब्लड ऊपर आ रहा है जब हम चलते फिरते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके अंदर के जो लेयर्स रहते हैं वेन्स, उसके बीच में पूरा ना वेन्स के बीच में वॉल्स रहते हैं, तो वॉल्स जो रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, डायलिटेशन होने लगता है, वीकनेस आ जाता है वॉल्स में, क्योंकि वायु है यहाँ पर, वायु जो है वही जाके कुपित हो रहा है और वहां पे स्त्रंस भ्रंस व्यास व्यद, ये जो सिम्टम बताए हैं ये सब वायु की वजह से, और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इलास्टिसिटी कम होने लगती है। और ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, इनका भी जो ये कंसिस्टेंसी होता है वह वीक होने लगता है और वो डायलेट हो जाती है, और डायलेट होने की वजह से वहां पे वेरिकोसिटी, वेरिकोज वेन्स ऐसे दिखने लगते हैं, दे लूज इलास्टिसिटी, वेन्स जो रहते हैं ना उनका इलास्टिसिटी कम हो जाता है, और जो मतलब इलास्टिसिटी जब रहता है तो वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, डायलेट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं, जब ये इलास्टिसिटी कम हो जाएगा तो क्या होगा कि वो डायलेट के डायलेट ही रहेंगी, वो फिर से लूज नहीं पड़ पाएंगे। उसी तरह से इट मैनिफेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब ज्यादातर ये चाइल्ड बर्थ, बच्चों के होने के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद ही ज्यादा दिखने में आती है। समटाइम्स पेन विल बी देयर, वहां कभी कभी वेदना होने लगता है क्योंकि वो वेरिकोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। आप लोगों ने ये पेशेंट हमारे पास आ ही रहे हैं,
ऐसा मत सोचिए कि मैं केवल बता रहा हूँ, हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से कैसे सोचना है और वो एनाटोमिकली क्या क्या डिफेक्ट हो जाता है, ये सब समझना है हमें, एकदम बेसिक में घुस के और इसको समझना है। उसी तरह से देयर विल बी इचिंग ऑल्सो, वहाँ खुजली भी आती है जहाँ जहाँ ये होगा, जहाँ जहाँ क्लेद संचय होने लगेगा वहाँ पे खुजली आने लगेगा, क्योंकि कफ का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। इचिंग कैन लीड टू स्क्रैचिंग एंड रैश, ज़्यादा खुजा खुजा के खुजलाते रहते हैं तो स्क्रैचिंग हो जाता है या रैशेज आने लगते हैं, मतलब वहाँ पर वो भाग जो है स्किन का वो पूरी तरह से खरोचा जाता है, इतना खुजली इतना ज़्यादा आता है। खुजली क्यों आ रहा है, कंडू और क्लेद क्यों हो रहा है, तो कफ की वजह से हो रहा है। फिर रेयरली डर्मेटाइटिस कैन होकर, मतलब वहाँ पे स्किन का जो डर्मेटाइटिस है वहाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन ऐसा भी होने का चांसेस हो जाता है। अल्सर कैन डेवलप, ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो जो रक्त वाहिनियाँ जो है सिराएँ हैं वो फट जाती हैं, क्योंकि उनमें इलास्टिसिटी कम हो गई है, डायलिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डायलिटेशन क्यों हो रहा है, जो संकोच और विकास ये किसका कार्य है, वायु का कार्य है। वायु इतना ज़्यादा ड्राई कर देता है कि ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटरना वो पूरी तरह से डायलेट हो जाती है और वो फट जाती है, वीक हो जाती है, फ्रजाइल हो जाती है। फ्रजिलिटी के वजह से क्या होता है कि वो फट जाती है और वहाँ पर वेरिकोज अल्सर हो जाता है। तो उसके लिए एलोपैथी में डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, लेकिन वो हील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आयुर्वेद में उसको कर सकते हैं। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि इसको डायग्नोसिस कैसे करें। क्लिनिकली ये मैनेजेबल है, क्लिनिकली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्लिनिक में भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहले क्या क्या कर सकते हैं, तो कॉम्प्रेस द वेंस, वेंस को कॉम्प्रेस करना है जो बहुत ज़्यादा डायलेट हो गए हैं, और प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेचिंग एंड हर्टिंग, मतलब उसको ना खुजली अगर आ रही है बहुत ज़्यादा तो उससे हमें बचाना है, खुजाना, खुजली बहुत ज़्यादा आ रही है तो एक रुमाल लेके हल्के उससे या कॉटन के स्वैब से उसको खुजाने का कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जोर से स्क्रैचिंग नहीं होना चाहिए या हर्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए सिराओं का। उसी तरह से लेग एलिवेटिंग पोजिशन, जब भी सोएंगे ना तो पैर के वो ऊपर कर देना चाहिए, ताकि जो प्रेशर है नीचे का पैर के तलवों का वो प्रेशर उतना कम पड़े, क्योंकि दिन भर खड़े रह रहे हैं, खड़े रह रहे हैं, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ब्लड ऊपर आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे, तो पैरों में सूजन आ जाते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है कि तकिया ऊपर रख के, पिलो रख के और पैर ऊपर रख के फिर सोने का कोशिश करना चाहिए। फिर क्रैप बैंडेज जो रहता है वह लगाना चाहिए, तो इससे प्रेशर से क्या होता है कि वो जो इलास्टिसिटी कम हो गई थोड़ा तो वहाँ पर रिलीफ मिलता है। यूज इलास्टिक स्टॉकिंग्स, जो इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहना जाता है वह भी वेरिकोज वेंस में काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है। ये ठीक नहीं करेगा, ठीक करने के लिए तो आयुर्वेद ही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी तरह से अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, बहुत ज़्यादा खड़े रहने की वजह से अगर हो रहा है, वही हेतु सेवन हो रहा है तो वह विहार को बंद करना चाहिए। उसी तरह से वेगों का अवरोध होना, अगर मल मूत्र छींक उल्टी प्यास ये जो 13 अधारणीय वेग है इसको रोका जा रहा है तो ये वायु का प्रकोप का कारण हो रहा है, और वह वायु इतना ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है कि वेन्स में जाके वहाँ पर सिरागत वात ऐसा कर रहा है, वेरिकोसिटी कर रहा है। तो इसीलिए खड़े रहना, फिर बहुत ज़्यादा रात्रि जागरण करना, फिर अति मैथुन करना, फिर उसके बाद में अति वैवाह करना, अति मतलब चलना बहुत ज़्यादा, अध्वगमन वगैरह, ज्यादा वजन उठाना, जो भी वायु प्रकोपक है, काम शोक भयाद वायु, काम क्रोध काम भय शोक, ये सबको अवॉइड करना चाहिए कि वायु का प्रकोप ना हो। और खाने में जो सूखे धान्य होते हैं, चना मटर मटकी बाजरी, फिर बहुत ज्यादा बाजरी खाने से भी वायु का प्रकोप होता है, फिर दालें बहुत ज्यादा खाते हैं, स्प्राउटेड चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर घी का कम सेवन करना, ये और मतलब ऐसे चीजें खाना जो बहुत ज्यादा रूखी सूखी हो, जैसे चूड़ा बहुत ज्यादा खाना, पोहा बहुत ज्यादा खाना और सूखे धान्य खाना, उसमें घी का कम सेवन करना, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर वायु बनेगा ही नहीं और वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सारा रहता है। बहुत सारे कंडक्टर लोग हमारे पास आते हैं, बस के कंडक्टर लोग, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा स्टैंडिंग रहना पड़ता है ना, तो उनको वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा रहता है, या फिर जो गृहिणी स्त्रियां रहती हैं, माताएं बहनें, उनको भी ये हो जाता है, या जिनको खड़े रह के बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उनको वेरिकोज वेन्स बहुत रहता है। कभी कभी इसमें कारण जो रहता है वो वजन बढ़ना, ओबेसिटी भी कारण रहता है, जो क्योंकि ओबेसिटी में ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता है और वेरिकोज वेन्स ऐसे दिखने लगते हैं। हेतु अगर देखेंगे तो बहुत सारे हेतु है, वास्ट है, ब्रॉड ब्रॉड है, बहुत ज्यादा हेतु बहुत सारा ऐसा रहता है कि जो लोग को ना चलने फिरने का टाइम नहीं, केवल खड़े रहने का है। अब वो खड़ा किस तरह से रह रहे हैं, ऑक्यूपेशन वैसा है खड़ा रहने का, या फिर वो मजबूरी में रह रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, जैसा भी है खड़े रहने की वजह से वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट पार्ट मैं बताऊंगा,
ट्रीटमेंट पार्ट जो है ना, अब यह हम एक यहाँ पे पुणे में हमारे जो आदरणीय गुरुजी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उनके जो गुरुजी थे वैद्य मवार कोल्हटकर सर, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था संहिताओं से, टीकाओं से, और उन्होंने ये बताया कि जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि पंच महाभूत में, पंच महाभूत का थेरी जो है आयुर्वेद का, पदार्थ विज्ञान का, उसमें बताया है कि एक नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य जो है वह नित्य ही रहता है, नित्य पंच महाभूत रहते हैं, लेकिन जो अनित्य है तो एक महाभूत में दूसरे महाभूत का भी संयोग रहता है। जैसे कि अगर हमने आकाश महाभूत लिया तो उसमें कुछ भाग आकाश का रहेगा और बाकी जो है वह दूसरे महाभूतों का भी रहेगा। इसी तरह से वायु महाभूत देखेंगे तो उसमें भी दूसरे महाभूत का भी रहता है। इसी का उदाहरण देखिए, अभी दिल्ली में बोल रहे हैं कि वातावरण है वहां पे नमी है, वातावरण में नमी आ जाना, ह्यूमिडिटी होना, वह क्या है? क्योंकि वहां पर जल का अंश वायु महाभूत में रहता है, वो भी अनित्य महाभूत जो है उसमें रहता है। कभी कभी हम पानी में देखते हैं, पानी में ऑक्सीजन रहता है, तो इसलिए मछलियां जो है वो जीवित रहती हैं, क्योंकि हर महाभूत जो है अनित्य पदार्थ है, उसमें दूसरे महाभूत भी रहते हैं। और व्यपदेशस्तु भूयसा, इसके अनुसार वह दूसरे महाभूत का मैनिफेस्टेशन सूक्ष्म रूप से हमें कभी ना कभी दिखता है। अग्नि जो है, अग्नि जो हम आग जलाते हैं, उसमें पार्थिवता भी रहती है, उसमें जलीयता भी रहती है, हर चीज रहता है। इसी तरह से पूरा जितने भी पंच महाभूत है उसमें रहता है, उसी का प्रिंसिपल से जो अपने धातु हैं और अवयव स्थान है उसमें दूसरे महाभूत का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब जो सिराएं हैं, एनाटोमिकली मैं आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूँ, सिराएं जो हैं उसकी उत्पत्ति सुश्रुताचार्य जी ने ऐसा बता रहे हैं, डल्हनाचार्य जी ने ऐसा बताया है, मतलब जो टीकाकार हैं सुश्रुत संहिता के, उन्होंने ऐसा बताया है कि जो सिराएं होती हैं, जितने भी वेन्स होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो रक्त के मृदुपाक से होती है और खरपाक से कंडरा बनती है और स्नायु बनता है। ये बेसिक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, रक्त के मृदुपाक से जब वो बन रहा है, जब एम्ब्रियोलॉजी होता है, तो मृदुपाक जब रहता है, जैसे हम लोग स्नेह का पाक करते हैं, जैसे हम लोग धन्वंतर घृत बनाते हैं, शीर बला तिल बनाते हैं, तो पाक हम लोग देखते हैं कि मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक हम लोग देखते हैं। उसी तरह से शरीर में जब एम्ब्रियोलॉजी, जब बच्चा पेट में रहता है माता के, तो उसमें रक्त धातु से ही सारे अवयव बनते हैं, जैसे कि रक्त के फेन से फुफ्फुस बनता है, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बनता है। आप लोगों ने अलग अलग चीज देखा है हर अवयव का, तो ऐसा बताया है कि रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती हैं और रक्त के खरपाक से स्नायु और कंडरा बनती है। अब रक्त धातु से ही ये सिराएं बनी हैं, तो हमें रक्त धातु को ध्यान में रख के ये देखना है। और दूसरे, जब सिराएं बन रही है तो उसमें अस्थि धातु का भी कुछ अंश आ जाए, जो मैंने कहा ना कि पंच महाभूत में दूसरे महाभूत का भी अंश रहता है, क्योंकि अस्थि ही जो रहता है वो धारण करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर वेरिकोस वेंस में क्या होता है कि अस्थित्व, अस्थि तत्व जो रहता है वह वीक हो जाता है, अस्थि तत्व वीक हो गया इसलिए डायलिटेशन हो गया और फ्रेजिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो मतलब अंदर ही अंदर बहुत कमजोर हो जाता है, इसी को हम वेरिकोस वेंस बोलते हैं। इस तरह से हम लोग, फिर आगे चिकित्सा भी मैं बताऊंगा। अब चिकित्सा में जो है इसमें कषाय में, मैं कुछ कषाय कल्पना बताता हूँ और बाकी और भी बताता हूँ। कषाय कल्पना में पुनर्नवादी कषाय, अगर हम पुनर्नवादी कषाय क्यों देना है, क्योंकि ये शोथग्न है, मतलब शोथ को दूर करता है, सूजन को कम करता है, पुनर्नवा है वो यकृत पे भी कार्य करता है, रक्तगत आम का भी पचन करता है, पुनर्नवा नए सेल बनाता है, पुनः पुनः नवती मतलब नए नए सेल भी बनाता है, इसलिए पुनर्नवादी कषाय 50 ml सुबह, 50 ml शाम को अगर हमने खाने के बाद दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कुछ लोग वैद्य बोलते हैं कि इसको खाने के पहले बोलना चाहिए, क्योंकि ये नीचे पैरों में रहता है, तो खाने के पहले दे दिया तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है। तो दोनों मत सही है, पुनर्नवादी कषाय खाने के बाद देना चाहिए या खाने के पहले दे दीजिए। उसी तरह से सहचरादि कषाय अगर दे दिया, तो सहचरादि कषाय जो है वे वायु का अनुलोमन करता है, वात शामक रहता है, इसको क्या करना है कि 50 ml सुबह, 50 ml शाम को खाने के पहले देना है। तो सहचरादि कषाय, पुनर्नवादी कषाय, चिर्व बिल्वादि कषाय जो है वह भी, चिर बिल्व आप लोगों को पता है वो भी वायु का शमन करता है और उसका कार्य जो रहता है वह सिराओं पे बहुत अच्छा रहता है, इसलिए 50 ml सुबह, 50 ml शाम को ये क्वाथ बना के अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो। और साउथ की कंपनियां जो है यह बने बनाए देती हैं आप लोग प्रिजर्वेटिव डाल के, तो उसका भी प्रयोग करके आप लोग देखिए, लेकिन अगर फ्रेश लेके आए, जैसे कि डॉक्टर विकास कुमार जी ने बताया था कि उन्होंने बृहदभास्करादि कषाय फ्रेश बनाया और पिए तो उनका चश्मा उतर गया, जितना फ्रेश रहेगा
उतना वो ज्यादा गुणकारी देगा। बने बने का मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वेरिकोज वेन्स में पुनर्नवादी कषाय फ्रेश बनाया हुआ, सहचरादि कषाय फ्रेश बनाया हुआ, चिर बिलवादी कषाय फ्रेश बनाया हुआ, 50-50 ml सुबह शाम लेना है। इसी तरह से हमें गुलिका फॉर्म में कुछ लेना है, गुटी वटी के रूप में लेना है, तो गोक्षरादि गुगुल, गोक्षरादि गुगुल है वो मूत्रल है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से करता है, तो जो प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा शोथ हो रहा है वेरिकोज वेंस की वजह से, वह प्रेशर को कम कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब बहुत अच्छा शमन के रूप में कार्य करता है। यह खाने के बाद लेना है दो दो गोली सुबह शाम। उसी तरह से चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभाव चामुस्तंभु निम्बम सुरदारवा हरिद्राति विषादारवी पिप्पली मूल चित्रकम, ये जो बताया है ना चंद्र प्रभावटी का कार्य क्या होता है कि क्लेद को दूर करना, आम का पचन करना, और उसमें शिलाजित जैसे द्रव्य हैं, वह चंद्र प्रभा रसकल भी नहीं है, तो ये क्या करता है कि सिराओं को ताकत देता है, क्लेद को निकाल देता है, शोथ को दूर करता है, और जब शोथ निकल गया, क्लेद निकल गया, तो अपने आप सिराओं को जो प्रेशर पड़ रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो सिराएं ऊपर तक लेके नहीं जा पा रही थी ब्लड को, क्योंकि ब्लड भी जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका होता है, तो ऐसे और वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा होता है, सिराएं जो रहती है वो फ्रजाइल रहती है, वह उतनी मजबूत नहीं रहती है, डायलिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे कंडीशन में फ्रजिलिटी अगर बढ़ेगी तो वेरिकोस अल्सर हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ रही है उतना तो फिर क्या होगा कि वो ना ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं आ पाएगा, ऐसे में चंद्र प्रभावटी देने से काफी हद तक इसको हम लोग रोक के रख सकते हैं और काफी हद तक इससे फायदा होता है। उसी तरह से तेल लगाना है तो तेल का अगर मात्रा बस्ती दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि वेरिकोज वेन्स में सहचरादि तेल का बस्ती अगर आप लोगों ने दिया और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को अभ्यंतरतः चम्मच मुंह में लेके और पी लीजिए, गटक लीजिए, ऐसा अगर करेंगे तो वेरिकोज वेन्स में सहचरादि तेल का बस्ती और पीने के लिए प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है, अभ्यंग भी करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है, सहचर जो है वह अब क्या है कि वेरिकोज वेन्स हुआ क्यों है, डायलिट्रेशन हुआ क्यों है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गया है, वायु का प्रकोप हो गया है, और हमें वहां और लौचिकपना जो है, इलास्टिसिटी कम हो गई है, जितना हम स्नेहन करेंगे बस्ती के द्वारा करें, अभ्यंग के द्वारा करें, पीने में करें, जितना स्नेहन करेंगे उतना लौचिकपना फिर से आ जाएगा, लौचिकपना फिर से रिगेन हो जाएगा और पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा, इसलिए सहचरादि तेल पे आप लोग 100% विश्वास रखें, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अरिष्ट अगर देखेंगे तो अर्जुनारिष्ट जो है वो 25 ml सुबह 25 ml शाम को, ये देने से फायदा होता है, अर्जुनारिष्ट ही क्यों प्रयोग करना है, क्योंकि अर्जुन जो है वो हृदय पे काम करता है और कषाय रसात्मक रहता है, और अर्जुन का कार्य रक्त व संस्थान में बहुत ज्यादा देखा गया है, कषाय रस की वजह से जो इलास्टिसिटी कम हो गई है वो इलास्टिसिटी पुनः आ जाती है, हम लोग सहचर तेल का भी दे रहे हैं और वहां पे जो पार्थिव तत्व है उसको बढ़ाना है तो कषाय रस द्रव्य का प्रयोग करने से वो इलास्टिसिटी फुट से आने लगती है, और जो फ्रेजिलिटी है उसको भी मजबूत बनाना है हमें, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटरना, तो इसके लिए अर्जुना रिश देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मतलब बाह्यतः अगर लगाना है तो सहचरादि तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से रक्त दूषित है, दूषित रक्त को निकाल देंगे तो फिर वह भी एक चिकित्सा है, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि अगर वो पैथोलॉजी बन रही है, डायलिटेशन हो रहा है, ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड रुकेगा तो वहां पर अशुद्ध हो जाएगा, रुके रुके ब्लड से क्या होगा कि वहां पे और वो पैथोलॉजी बढ़ते जाती है, ऐसे में रक्त मोक्षण कराना बहुत सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो वेरिकोज वेन्स के जब भी पेशेंट आते हैं तो आप ना 50-100 ml तक सीरा वेद करके स्कैल्पेल लगा के और ब्लड निकाल दीजिए, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, इतना गंदा खून निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा थक्के थक्के निकलते हैं, इतना गाढ़ा निकलता है, गंदा स्मेल भी आता है, वह शुद्ध रक्त निकलने के बाद फिर वेरिकोज वेन्स में हीलिंग करने का ताकत आ जाता है जल्दी, क्योंकि गंदा खून निकाल दिया, नया ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा तो उसमें इतनी ताकत होगी कि वह एक तो हील भी करेगा, सिराओं को हील भी करेगा, और दूसरा बात है कि वो सर्कुलेशन की वजह से वेरिकोसिटी जो प्रेशर के वजह से, प्रेशर और वायु की वजह से जो ये बढ़ा हुआ है वह ठीक हो जाएगा, इसलिए सिरा। और मैंने तो रक्त मोक्षण भी कराया, मेरे एक पेशेंट थे 2004 में, एक अग्रवाल अंकल आते थे, तो उनकी वाइफ को इतना ज्यादा वेरिकोज वेन्स था, इतना ज्यादा कि ऐसे गांठे गांठे पड़ गई थी पूरा यहाँ घुटनों के पीछे, 2004 की बात है, तो मैंने वो आंटी को जलौका लगा दिया, अब वो जलौका के इतने फैन हो गए, मुझे 2019 में मतलब 15 साल बाद मिलने आए, और वो क्या बोले कि डॉक्टर साहब आपको याद नहीं है हम 2004 में आपके पास आए थे और आपने हमें, हमारी वाइफ को जलौका लगाया था, तो हम हर साल
मतलब हर साल ये शरद ऋतु में, मतलब दिवाली के आसपास, हम लोग हर साल जलौकर लेके आते हैं, मार्केट से मिल जाता है कहीं भी, और वो जलौकर हम लगाते हैं। इसके वजह से हमें वेरिकोज वेन्स का वो गांठे गांठे थी पूरी तरह से निकल गया, कोई दवाई नहीं लिया, केवल सिरा वेद करने से इतना फायदा होता है। और क्या है कि मैंने बताया ना, रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है, जब गंदा खून निकाल देंगे तो बॉडी में रीजनरेट करने की ताकत रहती है, वह वेरिकोज वेन्स को हील कर देती है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसलिए सिरा वेद जो है ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है वेरिकोज वेन्स के लिए। आप लोग का अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं केवल राम कथा सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस के हिसाब से बताने के लिए आया हूँ जो आप लोगों को काम है। आप लोग के पास कोई भी पेशेंट है तो ये मत बोलिए कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, एलोपैथी में इलाज नहीं है, एलोपैथी में केवल ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप लोगों को आयुर्वेद का सब चीज़ नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर चीज़ अपना जितना भी सीक्रेट है वो सारा आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। फिर उसी तरह से रक्त मोक्षण तो बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें क्या रहता है कि असाध्यावस्था कब आ जाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि वेरिकोज अल्सरेशन होने लगता है, जख्म बन जाता है, सड़ जाता है, इतना ज्यादा सड़ जाता है वो, इतना व्रण शोथ हो जाता है, तो उसको ना ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार क्या हुआ कि 2012 में एक मारवाड़ी अंकल है मेरे पास, तो उनको ना इतना ज्यादा वेरिकोज ये अल्सरेशन हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था, वो आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों से भी करवा रहे थे इलाज, तो कोई उनको अलग अलग दवाइयाँ दे रहे थे, व्रण शोधक तेल से ड्रेसिंग करा रहा था कोई, कोई क्या 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 कर रहा था। मैंने जो दिया वो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक तो सबसे पहले मैंने उनका रक्त मोक्षण करा दिया, अशुद्ध रक्त दिया, और मुझे ये मालूम था कि सिरागत वात है, तो मैंने मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, देखा भी था सर के पास, जमदग्नि सर के पास। मैंने उनको बोला कि आपको 30 दिन आना है मेरे पास, भले आप आधा घंटा के लिए आइए, 1 घंटे के लिए आइए, लेकिन आपको आना है। और मैंने उनको रोज, कभी कभी उनके पास स्नेहन शोधन के लिए टाइम नहीं रहता था, मैं उनको रोज 100 ml का बस्ती देता था, बस्ती सहचरादि तेल का रोज बस्ती देता था। सहचरादि तेल के बस्ती से इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कि वो पूरा, एक तो वेरिकोसिटी था वह कम होते गया, गांठे गांठे थी वह कम होते गया, और उनका हेतु यही था कि वो दिन में कम से कम 18 घंटा खड़े ही रहते थे, उनको बैठने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ा दुकान है हमारे एरिया में। तो फिर क्या हुआ कि बस्ती से इतना अच्छा फायदा हुआ, फिर मैंने और क्या किया कि पहले अल्सर को ठीक करना है, तो सूक्ष्म त्रिफला करके एक दवाई आती है, वह सूक्ष्म त्रिफला कैसे बनता है कि त्रिफला का काढ़ा लेते हैं, त्रिफला का चूर्ण लेते हैं, और उसमें भावना देते हैं, ऐसा 45 भावना जब दे दिया जाता है, फिर उसमें कज्जली मिला के गोली बनाते हैं, तो ये त्रिफला सूक्ष्म त्रिफला है, बेस्ट एंटीबायोटिक है। उसका प्रयोग दो दो गोली सुबह शाम किया मैंने, और अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, इसका प्रयोग किया, और अल्सरेशन को मैंने कुष्ठ रोग, कुष्ठ की भी संप्राप्ति मानी, क्योंकि त्वचा रक्त मांस लसिका, इसमें दुष्टि दिख रही थी, क्लेद भी था, सब कुछ था, यह सोच के मैंने उनको आरोग्यवर्धिनी बटी दिया, आरोग्यवर्धिनी बटी दिया। फिर अगले हफ्ते में मैंने उनको गंधक रसायन दिया, कभी पंचतिकृत गुगुल दिया, यही सब मैंने कुष्ठ की तरह से भी चिकित्सा करना शुरू किया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उनका 3 महीने में वेरिकोज अल्सर जड़ से निकल गया, और पूरा स्किन जो था एकदम नया नया आ गया, और ऐसा 3 महीने में उनको पूरा ठीक करने में लगा, उनका इतना अच्छा हील हो गया। वो फिर गए सर्जन के पास, गए तो सर्जन बोला कि आपका वेन्स तो ये हो गया था, डैमेज हो गया था, ये फिर से नया कैसे बना? उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से कराया। तो मतलब सर्जन लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वेरिकोज अल्सर, क्योंकि कंटिन्यू वहां पे पानी 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 रहता ही है, और वहां पे वो ड्रेन होते रहता है लिम्फ लिम्फ वगैरह लसिका, तो वो हील कैसे हुआ, और वो वेन जो थी नीचे से आने वाली सेफनियस वेन, वो हील कैसे हुई, ये उनको आश्चर्य था। मैंने लैपटॉप में वो मतलब सेव भी किया है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत बड़ा ऐसे वेरिकोज अल्सर था, लेकिन जो हमारा ट्रीटमेंट था वो इतना अच्छा था। और आयुर्वेद पे विश्वास जितना रहेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम सुबह यहाँ माधव निदान की क्लास लेते हैं ना, तो जिन आप लोग को पता नहीं है आयुष दर्पण कितने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, 4 बजे उठ जा रहे हैं आजकल, 4 बजे उठ के तैयारी कर लेते हैं कि हमें तैयार व्यार होके सुबह माधव निदान का क्लास करना है, और माधव निदान पढ़ रहे हैं लोग, जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों को सैल्यूट है, वो सच में पढ़ रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा है कि हमें आयुर्वेद पढ़ना है, कलयुग में रह के भी सतयुग वाला जो ज्ञान है वह हमें आत्मसात करना है, पूरा जो ऋषि मुनि लोगों ने किया, और जो लोग कर रहे हैं मेहनत उनकी प्रैक्टिस भी बढ़ रही है। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी ने बड़े बड़े गैनेकोमेस्टिया को ठीक कर दिया, फिर उसके बाद में जो गैनेकोमेस्टिया का इलाज ही नहीं है एलोपैथी में, और उनको उन्होंने ठीक कर दिया, 4 महीने में गैनेकोमेस्टिया ठीक किया, खुद का उनका चश्मा था वो निकल गया,
इसी तरह से पीसीओडी है, ये बड़े बड़े जो बीमारियां हैं वो चुटकी में ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उतना वो ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है, पढ़ना तो एक अलग बात है, समझ के और फिर पेशेंट में इम्प्लीमेंटेशन करना और रिजल्ट दिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए वेरिकोज अल्सर में, और मैंने क्या और दिया था कि मैंने ये किया था, कुष्ठघ्नगण जो है चरक संहिता का, कुष्ठघ्नगण लाया और उसका पाउडर करके हल्दी वगैरह डाल के, नीम हल्दी या चंदन, दारू हरिद्रा, आम्र हरिद्रा और सारा कंडुग्नगण जो है और वर्णगण उसका अवचूर्णन करता था वेरिकोज अल्सर पे, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से छिड़क देता था। फिर उसके बाद में वो हील होने लगा, हील होते 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 इतना हील हो गया, पूरा अच्छा से हो गया, फिर उनका नया स्किन आने लगा। तो मैंने वर्णगण का काढ़ा पीने को लिए बोला, वर्णगण का काढ़ा पीते 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 वो पूरा कलर ही अच्छा हो गया। और आज अगर देखेंगे तो वहां पता ही नहीं चलेगा कि कभी अल्सर भी था। वो मैं पेशेंट को कभी ऑनलाइन लेके आऊंगा, वो खुद बताएंगे कि इतना बड़ा अल्सर जो असाध्य बोला था वो ठीक हो गया, क्योंकि वहां पे करेक्ट चिकित्सा दिया गया। आप लोग को भी करना है जो मैं बता रहा हूँ वह करना है। अब इसमें हमारे सर के नोट से मैं एक चीज बता रहा हूँ जो आप लोग को अगर लिख लेंगे तो वो ज्यादा काम आएगा, या सुन लीजिए, केवल दिमाग में पढ़ने दीजिए तो आप लोग को जब पेशेंट आएंगे तो याद आ जाएगा। सिरा शिथिलता जब रहती है, वेरिकोज वेन्स जब रहते हैं, तो इसमें वायु का प्रकोप सबसे मेन ध्यान में रखना चाहिए, रक्त धातु का प्रकोप यह पहले देखना चाहिए, और मेद धातु की दुष्टि यह जरूर देखना चाहिए। तो वात के लिए कोई भी ब्रिहण तेल का बस्ती दें, पीने के लिए दें, अभ्यंग के लिए दें। वायु का अगर ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वायु का है तो स्फुरण ज्यादा होगा, स्तंभ होगा, फिर शूल होगा, रेड ब्लैकनेस आएगा बहुत ज्यादा, वायु के सिम्टम ये देखेंगे। तो उसमें ब्रिहण तेल, तो ब्रिहण तेल में क्या है, तो शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, फिर उसमें लाक्षा तेल, धन्वंतर तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल, मुरीवीणा तेल, जितने भी वायु के शमन करने, दशमूल तेल, ये सब का प्रयोग हम लोग करेंगे जो ब्रिहण करता है उनका, फिर बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से रक्त धातु पे हमें काम करना है, क्योंकि वायु का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट है, मेद धातु का इन्वॉल्वमेंट है, और अस्थि धातु जो है वो वीक हो गई है। तो हमें ये चार चीजों पे काम करना है। तो रक्त धातु को अच्छा करना है तो रक्त पाचक जो है उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि रक्तगत आम का पचन करता है, वो पूरी तरह से पैथोलॉजी को ठीक करता है। उसी तरह से रक्त प्रसादक दवाइयाँ, जैसे ताप्यादि लौह दे दिया, नित्यानंद रस दे दिया, जो श्रीपद रोग में बताया, नित्यानंद रस दे दिया, चंद्रकला रस दे दिया, ये रक्त का प्रसादन करते हैं, स्वर्णमाक्षिक भस्म दे दिया, इतना अच्छा ना, ये रक्त का प्रसादन मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाती है, रक्त रक्ताणुओं को अच्छा बनाती है। रक्त धातु का कार्य है जीवन कार्य करना, तो यह नया बनाती है। या फिर जीवने गण की दवाइयां अगर दे दिया, जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकुली शीर्काकुली मुद्गपर्णी माषपर्णी, यह रक्त का प्रसादन करता है, क्योंकि रक्त और पित्त आश्रय आश्रय संबंध से रहते हैं। तो हमें पित्त का भी चिकित्सा करना है, रक्त का भी करना है, इसलिए रक्त पाचक और दूसरा रक्त प्रसादक दवाइयों का प्रयोग करने से 100% वह पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर होने लगता है। उसी तरह से मेद धातु की भी विकृति दिखती है, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हुई है। इलास्टिसिटी किससे आ रही है, तो मेद धातु की वजह से हो रही है, वो इलास्टिसिटी कम हो रही है, तो इसलिए मेदोपाचक अगर हमने दे दिया इतना बढ़िया काम होता है, वह हील होने में इजी जाता है। अगर शिराओं में शैथिल्यता बहुत ज्यादा है, डायलिटेशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो उसमें रक्त मोक्षण है, वो जलौका वगैरह से नहीं कराना चाहिए, तो वो क्या होता है कि वो फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, तो हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फ्रेजिलिटी बहुत ज्यादा है और शिथिलता इतना ज्यादा है, तो वह अवॉइड करके बाकी सब रक्त पाचक, मेद पाचक, रक्त प्रसाद दवाइयाँ, वात शामक द्रव्य, इनसे भी ठीक किया जा सकता है। अब इसके लिए आपको बहुत सारे वेरिकोज पेशेंट, वेरिकोज वेन्स के पेशेंट देखेंगे, तब आप लोगों को ज्यादा जजमेंट आएगा कि कब हमें शिरामोक्षण करना है, कब नहीं करना है। अगर पतली पतली अगर सिराएं वेरिकोसिटी हो रहा है, डायलिटेशन हो रहा है, तो उसमें करें, लेकिन बहुत ऐसे गांठ गांठ पड़ गए, ऐसे स्पाइरल शेप हो गए, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गए, ऐसे पकड़ में आती है, इतनी इतना ज्यादा डायलिटेशन हो गया, उसमें शिरावेद न करने के लिए ऐसा सलाह दिया जाता है। इसी तरह से इसमें डायरेक्टली स्वेदन भी नहीं देना है, स्वेदन देने से पित्त का प्रकोप होगा, पित्त का प्रकोप होगा तो रक्त का दुष्टि होगा, और फिर वह क्या करेगा कि कोथ उत्पन्न करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, सड़न पैदा होगी, और पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन होके वेरिकोज अल्सर होने का चांसेस रहता है, इसलिए इसमें स्वेदन बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन है तो फिर हमें क्या करना है कि क्लॉट फॉर्मेशन है और हमने स्वेदन दिया तो एयर एम्बोलिज्म होगा, एम्बोलाई तैयार होगा और वो डिसलॉज होके और फिर वो एम्बोलाई करके हार्ट में जाके हार्ट ब्लॉक कर सकता है,
ये भी कंडीशन, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कंडीशन में भी कभी कभी एम्बोलाई वगैरह हो के और हार्ट को में जाके डेथ करने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर स्वेदन नहीं करना है, वो स्वेदन करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो के और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए मतलब ये एक मॉडर्न की पैथोलॉजी जो है वो मैंने बताया, और आयुर्वेद में भी बोला है कि स्वेदन कब करना है, अर्हता अनर्हता पे भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पित्त का प्रकोप होने का, और वो भी कब, जब गांठ जाए बन गए बहुत ज़्यादा, वहाँ पे वेरिकोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब स्वेदन नहीं करना है। तब हमें क्या करना है कि रक्त पाचक सुबह देना है, मेदो पाचक शाम को देना है। तो इसका एक क्रम है, क्योंकि सुबह रक्त पाचक देंगे तो रक्तगत आम का पचन होगा, रक्त की अग्नि अच्छी होगी, रक्त की अच्छी अग्नि होगी तो रक्त के मृदु पाक से क्या बनता है, तो सिराएं बनती है, रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है। तो वो एक एक सेल है, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटरना, वो एक एक सेल नए रीजनरेट होने लगे, इसलिए रक्त पाचक सुबह देना चाहिए, मेदो पाचक वो शाम को देना चाहिए। उससे क्या हुआ कि इलास्टिसिटी आएगी, जितना मेदोपाचक देंगे उतना इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है। मेद धातु और स्निग्ध धातु है, वही स्निग्ध धातु की कमी हो जाती है रक्त पाचक में, वेरिकोज वेन्स में, वही तो मतलब इलास्टिसिटी को हमें बनाना है, रिगेन करना है। तो मेद धातु जो है, मेद धातु का जो भी अवरोध है उसको ठीक करना है, आम का पचन करना है, और अच्छा मेद बनेगा तो वो सिराओं में भी नया मेद संचित होके वह सिराओं में इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉलेज में कोई भी आपको नहीं बताएगा, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कोई भी नहीं समझाता है। इसी तरह से इसमें एक कासी सादी तेल का अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पिंड स्वेद आप लोगों को पता है बहुत अच्छा फायदा करता है, उसमें ही शालिषष्ठिक पिंड स्वेद, मतलब आप क्या करिए कि जो साठी चावल रहता है, 60 दिनों में पकने वाला षष्ठिक चावल रहता है, उसको दूध में पका के थोड़ा बला वनस्पति डाल के उसका खीर बनाइए, और खीर बनाने के बाद 2-3 ऐसे रुमाल ले लीजिए कपड़े का, और उसका वो डाल के गरम गरम, और पोटली बनाइए, और पोटली लेके और वहां रगड़ना है। ओ ये जो शालिषष्ठिक पिंड स्वेद है ना, ये क्या करता है कि अस्थि धातु जो धारण करने की शक्ति है वेरिकोजेंस में, अब हमें यहाँ मेद भी देना है, हमें रक्त भी अच्छा देना है क्योंकि हम नया बना रहे, अस्थि धातु भी देना है कि जो धारण शक्ति बढ़ाए, तो अस्थि धातु पे काम करना है। तो शालिषष्ठिक पिंड स्वेद जब हम देते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है, और रक्त धातु को भी अच्छा करना है तो रक्त प्रसादक रक्त पाचक ऐसे दवाएं दे, मेद धातु में मतलब इलास्टिसिटी को अच्छा करना है, मेदो पाचक देना। जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है, इस तरह से जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो सारकिट विभाजन को अच्छा करता है, हील भी करता है आरोग्यवर्धनी वटी, मतलब जहां पर भी फ्रेजिलिटी है, जख्म हो गया है, मतलब जो वेन्स है इंटरनली इंजरी हो गया होता है अलग अलग जगह, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है, फ्रिजिलिटी बढ़ती है, तो वो हील करने का काम आरोग्यवर्धनी करता है। रक्त धातु पे भी उसका काम है, सारकिट विभाजन भी अच्छा करता है, यकृत को भी उत्तेजना देता है, इसलिए आरोग्यवर्धनी वटी को देना है। नित्यानंद रस देना है, क्योंकि नित्यानंद रस और आरोग्यवर्धनी एंटी कोगुलेंट का काम करते हैं, रक्त को कभी ऐसे गुठली होने नहीं देते, मतलब रक्त को क्लॉट नहीं होने देते, कोगुलेट नहीं होने देते हैं, इसलिए आरोग्यवर्धनी और नित्यानंद रस ये कंटिन्यू देना है। आरोग्यवर्धनी वट्टी देना है तो 42 डेज दे के फिर ब्रेक करके, फिर 42 डेज दे के फिर ब्रेक करके, इस तरह से कंटिन्यू चलाएंगे। और जब आरोग्यवर्धनी वट्टी दे रहे हैं तो नीम और कुटके ऐसे रुक्षता न बढ़े, इसलिए घी का सेवन जरूर कराना चाहिए। घृत 50 to 100 ml तक हम लोग देते हैं, आप लोग देखिए आपके पेशेंट कितना लेते हैं, तो घृत पान जरूर कंपल्सरी कराना है, जितना स्नेहन होगा उतना अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से चंद्र प्रभा वटी दें, ताप्यादि लौह दें, रक्त पाचक दें, मेदो पाचक दें, प्रसारिणी तेल जो आता है, गंध प्रसारिणी का तेल जो है वो लोकल एप्लीकेशन के लिए वहां से दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें पत्र पुटली स्वेद नहीं करना है, पत्र पुटली स्वेद हम लोग अगर सोचेंगे कि पत्र पुटली स्वेद करें तो पत्र पुटली स्वेद ग्रंथि के लिए है, फाइब्रॉइड्स और सिस्ट को पचाने के लिए, एडिनोमा होता है कहीं पर गांठ होती है तो वह गर्म है पत्र पुटली स्वेद, और शालिषष्ठिक पिंड स्वेद है ये शीत है, मतलब दूध में पकाया हुआ रहता है, और बला मधुर मधुर शीत रहता है, मधुर रस मधुर विपाक शीत विरियात्मक दूध में पकाने वाला है, और वो ब्रिहण करता है, अस्थि धातु को पोषण करता है। इसलिए कहाँ क्या करना है उसको जानना जरूरी है, कभी भी वेरिकोज वेन्स में कभी भी पत्र पोटली स्वेद बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो वो कॉम्प्लिकेशन, कोथ और शोथ, लालिमार, रेडनेस, जहां पर भी पित्त बढ़ेगा, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ेगी कोई भी चीज से। और पत्र पुटली स्वेद में ज्यादातर सरसों का तेल का ही प्रयोग होता है, और सारे उष्ण द्रव्य रहते हैं, वात शामक उष्ण द्रव्य रहते हैं, तो वह जैसे निर्गुंडी हो गया, एरंड का पत्ता हो गया, इमली का पत्ता हो गया, शिगरू का पत्ता हो गया, करंज का पत्ता हो गया,
निरगुंडी का पत्ता हो गया, ये सब क्या रहते हैं, उष्ण रहते हैं। और पत्तर पोटली में सरसों का तेल को भून के या फिर कपड़े में डाल के पोटली बना के और उसका करते हैं, तो एडिनोमा ये जो रहता है, एडिनोमा जो रहता है, फाइब्रो एडिनोमा, उसमें करते हैं जो गांठ को गलाना होता है, फाइब्रॉइड्स में करते हैं। कभी भी वेरिकोज वेन्स, क्योंकि ये मृदुपाक से बना है, रक्त के मृदुपाक से, और रक्त है वह पित्त का आशय से संबंध है। आपने थोड़ा भी हीट दिया, ज्यादा हीट दिया, तो वह अपने आप पित्त को प्रकोपित करेगा, पित्त को प्रकोपित होगा तो अल्सरेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोथ होने लगता है, पित्त बढ़ा, उष्ण और तीक्ष्ण बढ़ा कि वहां पर सड़न पैदा होगी, और या फिर रक्तवाहिनियां फट जाएंगी या रक्त दुष्टि होगा। इसलिए पत्र पोटली स्वेद ना देके शालिश षष्ठिक पिंड स्वेद देना है। और सुबह क्या करना है कि गंडूष करना है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को गंडूष करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे गुरुजी का ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने रिसर्च करके निकाला है, उन्होंने कहीं पढ़ा था टीकाओं में, उसमें पढ़ा है, तो उसमें ऐसा बताया है कि जो हमारा मुंह का कुहर होता है, जो मुंह रहते हैं वहां पे वैक्यूम रहते हैं, कुछ भी भाव पदार्थ नहीं रहते, तो ये आकाश महाभूत का प्रधान द्रव्य है। इसी तरह से जो सिराएं हैं वहां पर, जो जैसे कोई पाइप है, पाइपलाइन में क्या होता है, अवकाश होगा तभी भाव पदार्थ जाएगा, वहां पर भी आकाशीय तत्व है। कान के अंदर भी हॉलो जो है, यह भी आकाशीय तत्व है। तो हमें अगर कहीं भी आकाशीय तत्व को बल देना है, हमें वहां पे ताकत देनी है। अब आकाश तत्व है, लेकिन उसको साइड में तो कोई ना कोई वॉल जो लेयर्स हैं वही ताकत दे रहे हैं ना, तो आकाशीय तत्व को ताकत देने के लिए जब हम गंडूष करते हैं, तिल तेल का या शीर वाला तेल का, लाक्षादी तेल का, लाक्षादी तेल बहुत अच्छा काम करता है, या बला अश्वगंधा दी लाक्षादी तेल, या चंदन वाला लाक्षादी तेल, या सहचरादी तेल, ये तेल को मुंह में धारण करके रखना है आधा घंटा से 45 मिनट तक। इतना अच्छा फायदा होता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुंह में केवल तेल धारण करिए और उसका इफेक्ट, गंडूष गंडूष का इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि वेरिकोज अल्सर जल्दी जल्दी हील, अल्सर भी ठीक होता है और वेरिकोसिटी भी कम होती है। तेल जितना एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर, इसका इफेक्ट डायरेक्ट वहां जाएगा, आकाशीय तत्व का जो दूसरा भाग है वहां जाएगा, वहां नरिशमेंट होगा। यहां से हम दे रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यहाँ है और उसका इफेक्ट वहां जा रहा है, और तुरंत ही वो वेरिकोसिटी कम हो जाती है। ऐसा 3 से 6 महीना तक करना है, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट करें या आधा घंटा करें, मुंह में केवल तेल भर के रखना है, सच में फायदा होता है। ऐसा आप लोग करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। वेरिकोज अल्सर पे भी और बताने लायक है कि हम लोग व्रण शोधक तेल देते हैं, जात्यादि तेल से ड्रेसिंग करते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, आरोग्य वर्धिनी देते हैं, फिर उसके बाद में जैसे व्रण की चिकित्सा किया जाता है, उसमें अलग अलग जो उपक्रम बताए वह भी किया जाता है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मैंने अपना फॉर्मूला बताया, आप लोग अगर करेंगे तो आपका प्रैक्टिस और 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी आप लोग के प्रश्न जो हैं वो आप कृपया लिख दीजिए यहाँ पर, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और हम लोग जितना चर्चा करेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अंजू बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग को अगर संभाषा में इस टॉपिक पर चर्चा करनी है तो आप लोग का स्वागत है, आप लोग चर्चा करने जरूर आइएगा। आप लोग के पास कैसे पेशेंट आए हैं वह चर्चा करेंगे हम लोग 8 बजे। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि रक्तमोक्षण सिरावेद से या जलौका से, जहां पर जरूरत है उस हिसाब से सिरावेद करें, अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो जलौका से करिए, जहां वायु बहुत ज्यादा बढ़े तो सिरावेद करें, लेकिन अगर गांठ गांठ टाइप बनी है, बहुत मोटे मोटे, अगर डायलिटेशन बहुत ज्यादा है तो वहां सिरावेद नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्यों ये नहीं हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी का प्रश्न है, सर कैन इट बी क्योर्ड विद फुल विद मेडिसिन? 100%। आप ना केवल गंडूष धारण करा के देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए कि आप तिल तेल लीजिए या शीर वाला तेल मुंह में धारण करके रखना है गंडूष, 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक, जितना मुंह में रखेंगे, और फिर थूक देना है, वो मुंह में रखना है फिर थूक देना है, हिलाना नहीं है, मुंह में रखना है थूक देना है, ऐसा बार बार करेंगे जितना देर रखा जाता है। ऐसा करने से वेरिकोज वेन्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और ये जो भी मैं बताता हूँ ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, ऐसे हवा में बात करने के लिए नहीं आता हूँ या कोई कहानी स्टोरी बताने के लिए नहीं आता हूँ बाबा आदम के जमाने की, ये सच में होता है, वही मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर स्वाति जी बोल रहे हैं अभ्यंग को अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहिए, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहिए और हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो, इस तरह से सोच के करना चाहिए तो फायदा होता है, आपकी बात 100% सही है। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप वही अनीता जी हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं, आप समझ आया। डॉक्टर विनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रीदेवी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रीति जी बहुत बढ़िया चीज़ बोल रही हैं कि
वेरिकोज वेन में यदि लेग्स के वेन फटने से ब्लड आने लगे तब चिकित्सा क्या करनी चाहिए? यदि वह स्टॉकिंग नहीं पहनता है तो ब्लड आने लगता है। तो अगर वो स्टॉकिंग नहीं पहनता है तो मैंने इतना सारा सब स्टोरी बताया ना, वो वही बताया कि रक्त धातु पे काम करना है तो रक्त पाचक दीजिए, मेद धातु पे काम करना है तो मेदो पाचक दीजिए, रक्त प्रसादन करिए और गंडूज धारण कराइए, बस्ती दीजिए उनको, सहचर्या तेल का मात्रा बस्ती रोज 50 to 100 ml की मात्रा में अगर देंगे और केवल वह फट जा रहे और ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है तो वहां पे ब्लड को रोकने वाले कषायात्मक लोद्र दे दिया, चंदन दे दिया, ऐसे कुछ चीज वहां लगा दीजिए, ब्लड रुक जाएगा। लेकिन परमानेंट ही करना है तो आपको रक्त वायु की चिकित्सा करना पड़ेगा, रक्त धातु की, मेद धातु की और अस्थि धातु को बल देना है। तो मतलब वहां पर शिराओं में जो अस्थि धातु का तत्व है उसको बल देने के लिए शालिषष्ठिक पिंडस्योत करना ही पड़ेगा और गंडूज धारण करना पड़ेगा। ऐसा जब करते हैं ना, एलोपैथी साइंस क्या करता है कि कोई भी बीमारी को दबा देता है, आयुर्वेद क्या करता है कि पूरा बॉडी को ही चेंज कर देता है, एक एक सेल को रीजनरेट करने की ताकत है, पूरा कायाकल्प हो जाता है, पूरा चेंज ही हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। और भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने पेशेंट को फिर से रिकरेंस ना हो ये सब, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत ही अजीब होते हैं, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में जाके वड़ा पाव खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, वही काम करते हैं जो मना किया। डायबिटिक्स के पेशेंट होते हैं ना, हम बोलते हैं मीठा मत खाओ, वो जानबूझ के मीठा खाएंगे कि वो क्या डॉक्टर है क्या, हम खाएंगे पियेंगे जियेंगे नहीं क्या, जानबूझ के मीठा पियेंगे। हम बोलेंगे शराब मत पियो, जानबूझ के शराब पियेंगे और वो भी ज्यादा पियेंगे। इससे ना पेशेंट पे भरोसा मत करिए, वो फिर आप पे ब्लेम कर दे क्या डॉक्टर हमने इलाज किया फिर से हो गया। इसीलिए हमारे पास है ना हथियार, वो जितना गंदा काम करते हैं हमारे पास और अच्छा काम, हम लोग उनको ब्रह्म रसायन दे देते हैं, ब्रह्म रसायन अगर खिला देते हैं ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ब्रह्म रसायन रीजनरेट करते रहता है कंटिन्यू, इसलिए ब्रह्म रसायन वो भी रसायन मात्रा में दे, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर जगतर सिंह जी आपका, सिंह जी आपको प्रणाम। डॉक्टर दिलीप सोलंकी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोले आप पुनर्भव चिकित्सा के, मैंने बताया ना रसायन चिकित्सा दे दीजिए, और नित्यानंद रस कंटिन्यू दे सकते हैं, ताप्यादि लौ कंटिन्यू दे सकते हैं, ताप्यादि लौ तो ऐसा है कि वो रसायन है और मज्जागामित्व है, बुद्धि स्मृति को भी अच्छा करता है और रक्त धातु को भी कंटिन्यू अच्छा रखता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, अगर लॉन्ग टर्म भी यूज करें तो ताप्यादि लौ दे दे, रस पाचक रक्त पाचक ऐसे दवाएं दे, ब्रह्म रसायन दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सैंडी कूल जी बोल रहे हैं कि माई मदर इज 78 years old, शी इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन, वेयर शुड आई कंसल्ट फॉर ट्रीटमेंट। मैं अपना ये दे देता हूँ, अपना नंबर देता हूँ आपको, अगर दिखाना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर इल्या गदे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुमित जी बोल रहे हैं कि मेरी एक पेशेंट जलौका लगाने से ठीक हो गई थी पर एक माह बाद दोबारा अल्सरेशन हो गई, वरुणाधि कषाय 3 TSF 2 बार दे रहा था, साथ में पुनर्नवा गूगल दिया था 2-2, साथ में गंधक रसायन दिया था। बहुत बढ़िया सुमित जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैंने कहा ना पेशेंट जो होते हैं वो पेशेंट इसीलिए हैं क्योंकि मिथ्याहार विहार करते हैं, अगर मिथ्याहार विहार बंद कर देंगे रोगी ही नहीं रहेंगे, लेकिन वो जानबूझ के वही चीज खाएंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे, शरीर सड़ रहा है, खराब हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको खाना ही है। इसीलिए हम एक तो उनको बता दे कि ऐसा मत कहे, और नहीं मान रहे हैं तो हमें उनको बोलना है कि आप साल में एक बार पंचकर्म करा लीजिए और दूसरा आप रसायन का सेवन करिए, फिर नहीं आता ये चीज। डॉक्टर जगतार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चौरसिया जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कुश साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी थैंक यू। डॉक्टर हरीश जी क्या गंडू से साइटिका में भी आराम होता है? गंडू से साइटिका में आराम नहीं होता है, साइटिका में आपको महाविषगर्भ तेल का बस्ती देना पड़ेगा, आपको त्रयोदशांग गुगुल देना पड़ेगा। और साइटिका क्यों हो रहा है, कौन सी नर्व मतलब कहाँ पर साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रही है, वहां पर आपको बस्ती देना पड़ेगा, कटी बस्ती देना पड़ेगा, रक्त मोक्षण करना पड़ेगा और साइटिका का जो है स्नेहन स्वेदन वो सब करना, एकांग भी रस देना पड़ेगा, रसराज रस देना पड़ेगा, साइटिका का चिकित्सा करना पड़ेगा। गंडू से साइटिका में उतना इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देखा गया, वेरिकोज वेन्स में, क्योंकि आकाश तत्व और मतलब वेन्स में भी आकाश तत्व, इसका कनेक्शन है, जो कनेक्शन है उस हिसाब से। अभी कैसे कि पादाभ्यंग करते हैं तो आंखों की रोशनी अच्छी होती है क्योंकि पैर जो है अग्नि महाभूत तत्व प्रधान है और आंखों में आलोचक पित्त है, तो वहां की चिकित्सा करने आंखें अच्छी होती है। इस हिसाब से
कनेक्शन जो रहता है उसका, उस हिसाब से चिकित्सा करना चाह रहा होता है। डॉक्टर अरुंधति कुलकर्णी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पंकज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी बोल रहे हैं आमवात की चिकित्सा। आमवात में क्या करना है कि आम है और वायु है, आम जो है बहुत ज्यादा स्त्यान है, लीन है, और वह आम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि श्लेष्मा कफ के स्थान पर विमार गमन होके और वहां जाके बैठ जाता है, श्लेष्मा कफ को निकाल के अपना वो बैठ जाता है, मतलब अनवांटेड जो टेररिस्ट घुस जाते हैं उस तरह से बैठ जाता है। तो इसमें आमवात में सबसे पहले लंघनम, लंघन करना चाहिए, जो ज्वर की चिकित्सा है लंघन, दीपन, पाचन, जब सामावस्था निकल जाती है तब तो निरामावस्था में बस्ती देना चाहिए। वैतरण बस्ती जो रहता है बहुत अच्छा फायदा करता है। और इंटरनल दवाई में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, आमवातारी रस है आमवात के लिए, फिर क्रव्याद रस है, फिर उसके बाद में त्रयोदशांग गुगुल है, सिंहनाद गुगुल, सिंपल जो दवाई है सिंहनाद गुगुल में, ऐसा बोलते हैं ये जो बोलते हैं कि यह सिंहनाद गुगुल जो है वो अकेले आमवात को कवर कर दे, क्योंकि उसमें एरंड तेल है, एरंड तेल जो रहता है वो आम को निकलता है, वायु का भी शमन करता है। आमवात पे मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं और बताऊंगा। तो आमवात के लिए ये सब आप करिए, तो पहले आमावस्था को निकालना है, दीपन पाचन करना है, लंघन कराना है, वालू का स्वेद करना है, रुक्ष स्वेद, और उसके बाद में निरामावस्था आने के बाद फिर तेल का बस्ती देना है, और उसके पहले उत्क्लेशन बस्ती, शोधन बस्ती, ब्रिहण बस्ती, इस तरह से पंचकर्म जब भी ठीक कर सकते हैं वैसे भी ठीक कर सकते हैं, तब ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आमवात में क्या होता है कि संधियां जितनी डैमेज हो जाती हैं उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो अर्ली आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे आम की चिकित्सा, वो पेशेंट ठीक होता है। और आयुर्वेद में ही ठीक, आयुर्वेद एक सेल से, मतलब जो विकृत सेल है स्वभाव परमवाद का यूज करके पूरी तरह से नया बना देता है। इस आयुर्वेद में ऑटो इम्यून डिजीजेज जो बड़ी बड़ी आमवात हो गया ये सबका इलाज है, इसलिए इसका करिए। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अरुंधति कुलकर्णी जी बोल रहे हैं गंडूष चिकित्सा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में कैसे होगा। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में आप गंडूष चिकित्सा तो करेंगे ही, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो है वो क्या है, विकृत मेद है और आम है, मतलब जो स्नेह जो है विकृत है, तो उसमें आम का पचन करना वह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो आप क्या करिए, आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए हाइपर कोलेस्ट्रीमिया अगर है तो, फिर उसके बाद में चंद्रप्रभा वटी दीजिए, उसके बाद मतलब वहां पे विकृत स्नेह का पाचन करना है, फिर उसके बाद में मेद पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, फिर उसके बाद में कांचनार गुगुल दीजिए, मैं बहुत सारे बता रहा हूँ उससे फायदा होता है, वृद्धिवादी वटिका दीजिए इससे फायदा होगा, कांचना गुगुल से तो बहुत अच्छा, क्रव्याद रस दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए, तो ये फायदा करेगा। गंडूष चिकित्सा बाद में, पहले कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल जो क्योंकि विकृत स्नेह है उसको ठीक करना है, और बाद में कोलेस्ट्रॉल के वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन आ गई है, मतलब जो वॉल्स हैं कोरोनरी आर्टरीज की वो प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्सिफिकेशन वगैरह जब हो रहा है, वहां पर गंडूष चिकित्सा का आकाश तत्व वहां पर भी है, जहां जहां आकाश तत्व है वहां पर नरिशमेंट करना है तेल से, तो वो फायदा होगा। डायरेक्ट हाइपरकोलेस्ट्रीमिया में फिर आपको फिर तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना होगा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया कि गंडूष चिकित्सा से हाइपरकोलेस्ट्रीमिया ठीक हो गया है, उसमें हम लोग विरेचन भी कराते हैं, वमन भी कराते हैं, तो ज्यादा फायदा हो जाता है। डॉक्टर आप लोग ने प्रश्न पूछे, मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर देव्या रानी पटेल जी बोल रहे हैं पथ्य पालन आहार विहार, पथ्य पालन में मैंने बताया ना कि स्टैंडिंग पोजीशन जो है वेरिकोज वेन्स में वह बंद करना है, स्टैंडिंग नहीं करना है, पैर ऊपर उठा के पिलो के उसमें रख के फिर सोना है। दूसरा कि स्टैंडिंग पोजीशन बंद करें, साइकिलिंग करें, साइकिलिंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, स्टॉकिंग लगाएं जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है, स्टॉकिंग लगाएं, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा ये खुजलाएं नहीं, और उसके बाद में प्रसारणी तेल का ये करें, अभ्यंग करें, और जो चिकित्सा बताए वो करें। आहार विहार में वायु का शमन करने वाला स्निग्ध आहार, मतलब घी वाला जरूर रहना चाहिए। विहार में साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, केवल स्टैंडिंग पोजीशन में ना रहें, सोना है तो पैर ऊपर उठा के करें, ये सब जब करते हैं तो फायदा हो जाता है। वायु की चिकित्सा करनी है शिरागतवाद की। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं कि सर क्या गंडूष धारण फेलोपियन ट्यूब को भी बल देगा। 100% आपने मेरे बात को, मेरे दिमाग में यही बात आ रहा था, फेलोपियन ट्यूब बल ब्लॉक जब रहता है या फेलोपियन ट्यूब के जो हॉरिजॉन्टल मसल्स रहते हैं, फिर वर्टिकल अंदर जो उसका जो रहता है हिस्टोपैथोलॉजिकल आप पढ़ाई करेंगे तो, फेलोपियन ट्यूब अगर बहुत ज्यादा वीक है तो उसके वजह से भी ब्लॉकेज बार बार हो रहा है उसमें, तो गंडूष धारण करने से फेलोपियन ट्यूब पूरी तरह से ठीक हुआ पाया गया है, मतलब 3 से 6 महीना किया गया फेलोपियन ट्यूब पूरी तरह से ठीक हो गया। आपने ये सच बात कहा, गंडूष धारण करने से फेलोपियन ट्यूब में फायदा होता है।
डॉक्टर प्रीति जी बोल रही हैं आप बहुत मानो, मैं माननीय हूँ, मेरे गुरुजी महान है और आप लोग महान है, आप लोग इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं इसलिए तो हम लोग मिले और हम लोग इतना अच्छा बात कर रहे हैं। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अमन वोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सैंडी जी बोल रहे हैं प्लीज गिव योर नंबर, मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट, साइनोसाइटिस जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से प्रतिक्षय रहता है, प्रतिक्षय में हम लोग शिरोविरेचन वाले नस्य देते हैं, षडबिंदु तेल का नस्य, अणु तेल का नस्य, बच्चा तेल का नस्य, सरसों का तेल का नस्य वो देते हैं, और इंटरनल दवाई साइनोसाइटिस जो हो रहा है, प्रतिक्षय जो हो रहा है उसका कारण होता है अत्यंबुपान, बहुत ज़्यादा पानी पीना, ठंडा पानी पीना इसकी वजह से होता है। तो उसमें हम लोग ना पानी की मात्रा कम करते हैं और दूसरा क्या करते हैं कि कफ का स्थान जो है उस पर काम करते हैं, अब उर्व जो है वह भी कफ का स्थान है, आमाशय भी क्लेदक कफ का स्थान है, उस पर दीपन पाचन द्रव्य देते हैं, चित्रक हरित केव ले देते हैं, चंद्रामृत रस देते हैं, उसके बाद में टंकन क्षार, अपामार्ग क्षार, कनकासव, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं साइनोसाइटिस पे, मैं इस पर एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा, बहुत सारी दवाइयां देनी है जो कफ का ये विलयन करती है और इंफ्लेमेटरी जो चेंजेस है वो ठीक करती है। तो उसमें हम लोग अगर एलर्जिक साइनोसाइटिस है तो हम लोग सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, अमृता गुगुल, कैशु गुगुल, त्रिफला गुगुल ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वरिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर चरिता मूर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रश्मि जी डायबिटिक पेशेंट में वेरिकोज वेन्स है तो क्या कर सकते, नहीं जलौका नहीं लगाना है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है और उनका शुगर लेवल बढ़ा है तो जलौका नहीं लगाना है, ऐसा मना किया जाता है, नहीं तो वो हील ही नहीं होगा, पहले शुगर लेवल कम करके फिर उसमें जलौका लगाएं, आपका बात सही है। डॉक्टर स्वस्ति दुबे जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उमा रानी महान काली प्रणाम आपको, आपका नाम इतना पवित्र है कि आत्मा प्रसन्न हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, सारे विकार जो है मन के सब निकल जाते हैं केवल उमा रानी जी का नाम लेके, ऐसे आपको ऐसे लगता है कि आप पार्वती माता की साक्षात अवतार है, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट मैं इस पे एक लेक्चर लूंगा, तब भी पित्तज ग्रहणी की सारी चिकित्सा करते हैं, पित्तज ग्रहणी के सारे सिम्टम होते हैं, सीरम अमाइलेज बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन है वहां पैंक्रियाटाइटिस, तो सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशोकोल, त्रिफला गुगुल ये दे दीजिए और पित्त की चिकित्सा मतलब विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, सारा पित्त की चिकित्सा करने से, रक्त पित्त की चिकित्सा कराइए, दूर्वासो रस दीजिए, फिर उसके बाद में रक्त पित्त कुलकंडन रस दीजिए, जो पित्त के और रक्त पे काम करे वो देंगे ना, जो अग्नाशय है पैंक्रियाटाइटिस वो ठीक होता है। डॉक्टर मंजूल शर्मा जी बोल रहे हैं ब्लड थिनर यूज्ड इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आयुर्वेद में ब्लड थिनर जो है वो रक्त पाचक रस पाचक है, उसका प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा फायदा होता है, और हम लोग रक्त प्रसादन भी करते हैं, हम ब्लड थिन ही नहीं करते हैं प्रसादन भी करते हैं, तो ताप्यादि लो, नवायस लो, स्वर्णमाक्षिक भस्म, चंद्रकला रस, ये सब ब्लड मतलब रक्त का प्रसादन करते हैं, वो आप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर मनोज कुमार जी बोल रहे हैं कि सिर में क्लॉट बनकर पैरालिसिस हो गया, आधा शरीर काम करना बंद कर गया, एक व्यक्ति का उम्र 50 वर्ष 50 दिन है तो उसे क्या देना है, तो ऐसा बताते हैं पक्षाघात हेतु सस्नेह विरेचनम, पक्षाघात में सस्नेह विरेचन देना है तो उससे क्या होता है कि जो क्लॉट है विरेचन देने से निकल जाता है, विरेचन देने से प्राणवायु जो रहता है वो अनुलोमित हो जाता है और सिरा और कंडरा से क्या बनता है, रक्त के मृदु भाग से सिराएं बनती है, रक्त के खर भाग से सिरा कंडरा बनती है, तो विरेचन जो है वो सिरा कंडरा ये स्नायु सभी पे काम करता है, इसलिए विरेचन देना है। और मेडिसिन में पैरालिसिस अगर हो गया है तो क्या देना है, एक तो विरेचन से ही फायदा होता है, स्नेह विरेचन, एरंड तेल, गंधर्व रहित की ऐसे द्रव्य देने, सुकुमार घृत वगैरह देना है, और क्या देना है तो एकांग वीर रस देना है, ताप्यादि लौ जो है ना वो ब्लड ब्लड वेसल्स को अच्छा करता है, यहाँ पर मैं वेरिकोज वेन्स के वॉल्स को अच्छा करने के लिए लेयर जो वेन्स के लेयर्स ट्यूनिका इंटरना एक्सटरना मीडिया पे काम करने के लिए मैंने ताप्यादि लौ बताया, यहाँ पर भी ब्रेन में जो रक्त वाहिनियां हैं उनको नया बनाने के लिए ताप्यादि लौ बेस्ट है, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग, रक्त संचरण भी अच्छा होता है, फिर उसके बाद में बृहतवाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर योगेंद्र रस वो सब देते हैं, बीपी अगर बढ़ा हुआ है बीपी को कंट्रोल करने के लिए मुक्तावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षुराती गुगुल ऐसे सब द्रव्य देते हैं, और फिर बस्ती देते हैं, जब निरामावस्था निकल जाती है तो हम लोग दशमूल काढ़े का बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग शीरबला तेल का, सहस्राती तेल का, धन्वंतर तेल, ऐसे कोई तेल का बस्ती जब देते हैं तो पैरालिसिस वाले पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मैं अपना नंबर देता हूँ, मुझे पूछे मैं बताऊंगा।
डॉक्टर रेखा मेहता जी बोल रही हैं कि वृद्धिवादी वटिका का संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में रोल क्या है। इसमें रोल रहता है, मैं इस पे बताऊंगा अभी, क्योंकि टाइम हो गया इंटरेक्टिव सेशन का, मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर देवरानी पटेल, दिव्या रानी पटेल जी, सॉरी बोलने में देवरानी हो गया, दिव्या रानी पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिलाषा जी बोल रहे हैं कि ग्रामस्थ के समय द्राक्षारिष्ट कोटिचारिष्ट अभिरिष्ट काम करेगा करेगा करेगा, ग्रहणी चिकित्सा में करेगा। डॉक्टर सिद्धेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिलाषा जी ग्रहणी में करता है, वो ग्रहणी कला को उत्तेजित करके वहाँ हीलिंग करता है, पित्त का संचरण करता है। डॉक्टर रश्मि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गजानन जी बोल रहे हैं कि स्टॉकिंग कब, अब वो प्रेशर को मेंटेन रखना है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो वो और ज़्यादा डायलेट होके ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ ना दे, इसीलिए स्टॉकिंग का यूज़ करना चाहिए। लेकिन स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा अगर ओवर यूज़ करते हैं ना तो कभी-कभी पैर सुन्न हो जाता है, फिर सेंसेशन लॉस होने का तकलीफ रहता है। हम लोग एडवाइस करते हैं कि कुछ टाइम तक ही करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। डॉक्टर अभिलाषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं कि उन्माद ओसीडी में क्या ट्रीटमेंट है। आप ना क्या करें रचना जी, अभी इंटरेक्टिव सेशन शुरू हो रहा है उसमें आइए, मैं आपको आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ। शैली जी आप भी इंटरेक्टिव सेशन में आइए, आप 1-to-1 पूछिए, मेरे से बात करिए, हम बताएंगे। डॉक्टर मंजू शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, मंजू शर्मा जी। डॉक्टर महफूज अली सैयद जी बोले एनी बुक फॉर प्रैक्टिकल आयुर्वेद मेडिसिन, मैं बताऊंगा। डॉक्टर राजकुमार शराब जी नमस्ते प्रणाम आपको, मैं अपना नंबर देता हूँ। और आप लोग क्या करिए, इंटरेक्टिव सेशन फ्री में हो रहा है अभी जूम पे, फेसबुक पे भी वो दिखेगा लाइव, आप सभी लोग के लिए फ्री में किया जा रहा है, तो आप सब लोग आइए और हम लोग वहाँ चर्चा करते हैं। आप लोग पूछिए, आपके प्रश्न जो है ना हम आपके लिए ही हैं, मेरा पीएचडी हुआ है आयुर्वेद में, मैं आप लोग के लिए ही आया हूँ। फ्री इंटरेक्टिव, मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, पुणे में मेरा हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, आप लोग कभी भी आके देख सकते हैं। तो मैं पासवर्ड आईडी दे देता हूँ, देखिए मैं आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ, सभी लोग के लिए फ्री है। यहाँ पर आके अपने केसेस डिटेल में आप बताइए, और कोई घबराएगा नहीं कि क्या प्रश्न पूछे, सब लोग स्टूडेंट ही हैं, कोई ऐसा ये नहीं है कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आप आइए, हर इंसान को हम जरूर हेल्प करेंगे। देखिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, मंजरी पाठक जी नंबर दे दिया है, आप कृपया देखिए, और इंटरेक्टिव सेशन का आईडी दिया है जूम का, उसमें आइए, नहीं तो फेसबुक पे देखिए। तो मुझे अभी जाने दीजिए, इंटरेक्टिव सेशन में मुझे जाना है। प्रणाम, नमस्ते।